जी ज़ोया अहमद ये बात समझ में आई नहीं और शनामा भी आपने समझाई नहीं मैं ये सोच रही थी भला ज़बान से जंग कैसे हो सकती है तो सदर अली वकार मैंने ये सोचा भला ज़बान से जंग कैसे हो सकती है एक दिन अगर ज़बान से इट्स ओके गो है नो प्रॉब्लम दूसरी वाली बच्ची का क्या था? क्या था? दूसरी का नाम महक सुमित्रा स्टार्ट अगेन आपका वक्त मह... शुरू होता है अब शुरू ये बात समझ में आई नहीं और हना भी आपने ये समझाई नहीं मैं ये सोच रही थी भला जबान से जंग कैसे हो सकती है सदरे वक़ार जबान से ही तो जंग हो सकती है जबान से कोई हथियार नहीं एक बार चल जाए तो बस चलती ही जाती है इसके असरा किसी एटम बम से कम नहीं चल जाए तो काट कर रख देती है इंसान को ना सही दिल को ही अब आप टॉक शोज की मिसाल ले लें जहाँ किसी भी मौजूद पर मैं इस बान से लेकर मैं मानता कि एक दूसरे को जबान से इस तरह काटते हैं कि लगता है वाकई आजमी जंग तो होती जो जबानी होती

मुसूजिया बस फिर क्या था एक जाने भैया की नई नवेली दुल्हन और दूसरी जाने पापा मैं तो समझ गई कि आलमी जंग जो होती तो जुबानी होती और वैसे भी घड़ी की चोरी से लेकर फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने तक आलमी जंग के ही चर्चे हैं और वो आंटी जो मार्च में मार्च करती हैं किसी के मोजे तो ढूंढ नहीं सकती टायर बदलने की बात करती हैं और और सदर अली बस मैं और कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं ज्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मेरी कांपे टांग जाती है अभी बस मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक नजर आने वाले चांद की तरह बाहर निकलने पर कोई आलमी जंग मेरी ना हो आपका क्या ख्याल है जी right, बहुत कुछ बोल गई ये तीनों एक ही सेगमेंट में पता नहीं बेचारी औरतों के लिए इस पता नहीं कहा किसकी भड़ास निकाल के लाई है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इससे ज्यादा बोला जा सकता है बस कर दे साहब All y a ask